Hello and very good morning. This is Mr. Vrinda Singh and today my lecture is on derivative. तो सबसे पहले जो बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है वो ये कि प्लस वन क्लास में हम सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लस वन क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम दो तीन टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, उसी के बाद हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वो बेसिक जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो है फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगनिंग प्लस वन क्लास, ओके। सो डेरिवेटिव्स क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे, ओके। चलिए, तो डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स होता है बेटे कोई किसी इक्वेशन जो हो वो चेंज हो, स्मॉल चेंजेस उसमें आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मे बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, डेरिवेटिव्स में इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है डी ओवर डी एक्स। एक्चुअल में हमारे पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो एक्स के फंक्शंस में होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व भी किया, लाइक दिस वन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ये सारी की सारी इक्वेशन किसमें आ रही है? ज्यादा से ज्यादा एक्स में। इसलिए हमने इसको चेंज हो रही है, अगर इस इक्वेशन में कुछ चेंज आएगा, चेंजेस आ रहा है, स्मॉल चेंजेस आर अराइजर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के साथ, एक्स क्या है यहाँ पे? एक फंक्शन है, ठीक है। तो उसके में क्या आ रही है? चेंजेस। तो इसको हम कहते हैं डी ओवर डी एक्स। अगर हमारे पास ये यही इक्वेशन पे एक्स की जगह पर वाई होता तो यहां पे आना था डी ओवर डी वाई, ठीक है। तो हम बेसिकली यूज करते हैं डी ओवर डी एक्स। दिस इज द सिंबल फॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके। अब चलिए, फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास। हमारे पास बेटे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने अप्लाई करना है, रिजल्ट है हमारे पास, तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है, फर्स्ट रूल इज दैट लेट सी बी ए कॉन्स्टेंट, देन डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है अगर आपके पास कोई वैल्यूज है, कोई इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर का वैल्यू हो सकता है 4, 5, 2, 1, कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंजेस नहीं होते, ना ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ चेंजेस होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी इंटीजर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रही, तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव का वैल्यू कितना होगा? जीरो। तो इट मींस दैट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट सी इज अ जीरो, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। सी इज डिजिट लाइक 4, 5, 2, 1 एटसेट्रा, देन डेरिवेटिव ऑफ एनी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर होगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो। यस, तो आपने इसकी वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी डेरिवेटिव जो होगा कॉन्स्टेंट की वैल्यू, उसकी डेरिवेटिव होगा जीरो। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट सी इंटू वाई इज इक्वल टू, सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो बेटे अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो सी होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बाहर ले लेते हैं और डेरिवेटिव ऑफ वाई, अब वाई की वैल्यूज में चेंजेस आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सी हमारे पास कांस्टेंट है, जो कोई डिजिट हो सकता है, तो इसको हमने बाहर की तरफ ले लेना है और बाकी जो वैल्यूज होगी वाई में उसका डेरिवेटिव आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सी बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी याद रखिए। चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, लाइक दिस वन, लेट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। y इज इक्वल टू है हमारे पास 5x स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है तो हम डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन पे, तो d अपॉन dx y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव कम दिया हमने y इक्वेशन का, तो y इक्वेशन इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है, तो बेटे यहां पे क्या होगा, हमारे पास था 5x स्क्वायर, 5 यहां पर क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये चला जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, लाइक ऐसे 5 बाहर चला गया, अंदर बच गया d अपॉन dx x का स्क्वायर।
तो अगर x का स्केयर बच गया तो x स्केयर का डेरिवेटिव कितना होगा, वो हम करते हैं 2 को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू x, तो ये बन जाएगा 10.5, 10 × 2 = 10x। ठीक है, इसमें आपको इसमें कंफ्यूजन है कि ये वैल्यू आपकी कैसे आई। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा। अब देखिए, डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा, वैसे तो सारी फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो है रूल नंबर 3, ये वाला। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। आप बेटे ये याद रखना आपने, मान लीजिए कोई भी आपके पास फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन मतलब y इज इक्वल टू है x रेज टू पावर n। अब इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं, dy upon dx इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है x रेज टू पावर n, उसको पुट कर दें। तो बेटे याद रखना है जो भी उसकी पावर होगी वो हमने उसके आगे हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, n इसके आगे आ जाएगा इंटू x में से इंटू एक्स और n माइनस 1। ठीक है, इसकी पावर को आगे मल्टीप्लाई करके और उसी पावर में से 1 को माइनस कर देना है, बस ये हमारा हो गया डेरिवेटिव इंटू x का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। याद रखिए dx का वैल्यू हमारे पास होता है dx इक्वल टू 1, मतलब अकेले x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। सो जब भी आपके पास x रेज टू पावर n आएगा, n को पहले आगे लिख लो इंटू एक्स इंटू एन की पावर में से 1 को माइनस कर देना, बस आपका वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3, मान लीजिए x रेज टू पावर कितना है आपका 3, तब क्या आएगा, d ओवर dx इक्वल टू, ये 3 जो है n है, n आ जाएगा आगे, n को आगे ले लिया इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1। अब n माइनस 1 तो मतलब 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x यहां पे सिर्फ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। मैंने अभी आपको बताया डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। तो आप कहीं जगह पे लिखना है, नहीं लिखा होता एक्चुअली, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू को लिखें या ना लिखें, 1 है तो इट मींस इट्स ओके, बट आई हैव रिटन हियर। सो x की क्यूब है तो n इसके आगे आ जाएगा, फिर x इंटू एन माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, तो ये बन गया 3x रेज टू पावर 2, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यही क्वेश्चन को आप ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे किया था 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर, अब एक्स स्केयर है, यही फॉर्मूला आप ऊपर लगाइए, एक्स की पावर 2 है तो 2 चला जाएगा सबसे आगे इंटू एक्स 2 माइनस 1, अगर 2 माइनस 1 है तो यहाँ पे बन जाएगा वैल्यू 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 1 बच जाएगा, सिंपल x हो जाएगा, 5 2 को मल्टीप्लाई किया 10, तो ये बन गया 10x। सिमिलरली ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक छोटे सा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल देखिए, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7, बताएंगे इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, बहुत सिंपल है, सबसे पहले y को कर दो dy upon dx, इसको भी कर दो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 7, फिर क्या होगा, जो भी इसका पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 1, हो गया तो 7 माइनस 1 कितना होता है, 7 एक्स रेज टू पावर 6, आंसर खत्म, हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, तो ये हमने बार बार कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं इसका। हमारे पास ये सारे के सारे रूल्स हैं, एक्चुअल में हमारे हम अभी करने जा रहे हैं 5 रूल्स। ठीक है,
लेकिन नेक्स्ट मेरी वीडियोस में ओके नेक्स्ट टॉपिक में भी हम ट्राई करेंगे सबको हम कवर अप करें, ठीक है। दिस इज माय स्पेशल वीडियो ऑन द डेरिवेटिव पार्ट्स व्हिच इज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर बिगनिंग ऑफ अ प्लस वन क्लास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू प्लस वी और यू माइनस वी। तो ये कोई भी टर्म जब हमारे पास सिंपल एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो तब हम इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। तो हमने क्या यूज करना है, इस डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं लाइक दिस वन, वाई आ जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी। सिंपल मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन आपको गिवन है यू प्लस वी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बाय पार्ट्स, मतलब आपको लंबी सी इक्वेशन है, अब आपने उसका डेरिवेट करना है बाय पार्ट्स, एक एक करके उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में आप उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। तो ये इसको करेंगे, ये अकेले को किया, ये बन गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस, फिर इसको किया डी यू वी अपॉन डी एक्स, तो बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो ये आपका फंक्शन बन गया। मान लीजिए इसमें है माइनस, तो माइनस है तो बीच में आप माइनस डाल दो, बाकी रहेगा सिंपल सेम टू सेम, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल हमने और की, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू आपके पास है 2x² प्लस 4x प्लस 6। तो ये एक सिंपल आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में टू फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कितने भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी इक्वेशन में हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे dy upon dx into derivative of all these function. Function करने के बाद हम इस d over tx को सब में कर देंगे, d upon dy नहीं आएगा, यहां पे आएगा d upon dx, sorry, ठीक है। तो d upon dx जो है इसको पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे 2x² को प्लस उसके बाद इस डेरिवेटिव करेंगे 4x के साथ प्लस उसके बाद 6 के साथ। देखते डी अपॉन डी एक्स 2x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6। तो एक एक को बाय पार्ट्स में हमने कन्वर्ट कर दिए, ब्रेकअप कर दिया उसको, ठीक है। देन अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 है, 2 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू को हमेशा हम बाहर ले लेते हैं, इसको बाहर ले लेंगे, बाहर आ गया तो बीच में क्या बच गया आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, शाबाश। वो कैसे, 2 चला जाएगा, 2 यहां पर उसकी पावर है n, तो वो 2 चला जाएगा आगे और बाद में 2 से 2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है ना, अभी हमने किया। ये देखिए n आ जाएगा, फिर x इंटू n माइनस 1। सिमिलरली यहां पर भी 2 आगे चला जाएगा, x इंटू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, पीछे कितना बच गया 2x, 2x बच गया। आगे चलिए, यहां पे था 4, 4 क्या है, इंटीजर है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे, इसको अगर हमने बाहर ले लिया पीछे का बच गया dx upon dx, तो dx upon dx के वैल्यू कितना आता है 1, तो इसकी वैल्यू को पुट किया हमारे पास, तो ये 4 इंटू 1। ये जो डॉट होता है ना, डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, चाहे डॉट लिख लो चाहे हम क्रॉस लिख दो बात सेम ही, लेकिन बेटर है हम क्या लिखें, डॉट। ये पॉइंट आप याद रखिए, ये जो पॉइंट डॉट होगा, डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट में देखिए, लास्ट में हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ 6, ये 6 क्या है, इंटीजर, तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल किया था किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ये बन गया 0, तो ये बन गया 0, ओके। 2 का 4, 4x प्लस 4, 2x और 4x प्लस 4, तो ये हो गया आंसर, डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन हम और इसी का सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में यहां पर मैंने प्लस में से कर दिया, आगे एक और क्वेश्चन लिया उसमें मैंने माइनस फॉर्म ही कर दिया, लेकिन सारा मेथड बिल्कुल सेम है, प्लस की जगह माइनस लिखना है, बाकी ऑफ चेंजेस कोई नहीं आएगा। वाई फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x है, तो इसमें हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ पहले हमने फर्स्ट फंक्शन कर दिया, याद रखिए कोई भी इसका फंक्शन होगा उसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, फिर कंफ्यूजन ही होगी, ठीक है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x, अब देखिए 3 इंटीजर है, इंटीजर बाहर चला जाएगा, बच जाएगा 3 डेरिवेटिव ऑफ x² अपॉन
x माइनस फोर, फोर एक्स है तो फोर इंटीजर है, फोर भी बाहर चला जाएगा। आपको पता डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, वन, और x की का डेरिवेटिव कितना होता है, टू एक्स, अभी हमने किया, x की का डेरिवेटिव कितना आ गया, टू एक्स, तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी थ्री टू का सिक्स, सिक्स एक्स माइनस फोर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज प्रोडक्ट रूल, विच इज y इज इक्वल टू यू इंटू वी, वेयर यू हैव एनी टू फंक्शंस, ओके, एंड देन देयर इज प्रोडक्ट u इंटू वी, देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। याद रखिए बेटे, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट में दो इक्वेशन गिवन हो, ठीक हो, फर्स्ट को हमने u मान लेना है, सेकेंड को हमने v मान लेना है, फिर क्या करना है, सबसे पहले u लिख लेना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे, प्लस v फिर डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे, ठीक है। इसकी मैंने दो एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट हमारे पास आता है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, एंड ब्रैकेट में सेकेंड है फोर एक्स प्लस थ्री। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या हो, प्रोडक्ट रूल, तब हम यूज करेंगे uv मेथड, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, uv मेथड, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम u ज़ूम करेंगे, सेकंड को हमने v ज़ूम करना है, u को हमने एज इट इज लिख देना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ v लिख देंगे, प्लस v को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u लिख देंगे यहां से, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, u को लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ v को सॉल्व करेंगे। आपको पता है यहां पर हम डेरिवेटिव बाय पार्ट्स वाला पॉइंट को यूज करेंगे, तो 4x है, 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाहर चला गया, dx upon dx बन गया जिसकी वैल्यू होगी 1, और डेरिवेटिव ऑफ c का क्या होता है, 0, which is 0, plus 4x plus 3 as it is लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1 करेंगे। अब 2 भी कांस्टेंट, 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, dx upon dx, इसकी भी वैल्यू होती है 1, और डेरिवेटिव ऑफ 1 का वैल्यू भी कितना होता है, 0, ओके। सो आगे dx upon dx के भी वैल्यू 1 होता है, तो ये बन गया 0, तो यहां पे बन जाएगा 1, तो 4.1 plus 4x plus 3 into derivative of 2, क्योंकि dx upon dx का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। तब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x plus 1 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x plus 3 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एंड 8x plus 8x बनेगा 16x plus 64 का 10। ये था हमारे पास इसकी वन एग्जांपल्स। सेकंड एग्जांपल्स है हमारे पास y is equal to 3x cube plus 2x into 8x की पावर 9। इसमें फर्स्ट को हमने u ज़ूम करना है, सेकंड को क्या ज़ूम करना है, v। फिर क्या करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर से हम u को लिख देंगे एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v का फाइंड करेंगे। अगर v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसको में क्या करेंगे, 8 जो है वो कांस्टेंट डिजिट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, और ये जो x की रेस्ट पावर 9 है, तो 9 को हम आगे लिख देंगे इंटू एक्स रेस टू पावर 9 माइनस 1, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, प्लस नेक्स्ट 8x की पावर 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब प्लस 2x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स में करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब में क्या करेंगे, 3 इंटीजर है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव 2x है, 2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेंगे, अंदर बच गया dx ओवर dx। अब देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 2 है, dx अपॉन dx का वैल्यू कितना बनेगा इसका, 1, तो 1 लिख दिया, 3 3 का 9 होगा, 9x का स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन, सेकेंड, और 8 9 का 72 x के पावर 8, ये भी बन गया और ये भी बन गया, एंड दिस इज द सेकेंड एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके, थैंक यू।